फतवा आया है। हिंदुस्तान को पोलियो से बचाने के लिए सरकार ने शुरू की। जब ने खत्म हो गए तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक न देने का एक नया बहाना खोज निकाला, जाति धर्म। मैं उन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, अरे भेजा है या भेजवा दूं? सर, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अरे पोलियो की बीमारी का जाति और धर्म से क्या लेना देना? बिल्कुल, जाति और धर्म से पोलियो की खुराक का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बात जब रुपयों की हो तो मुफ्ती पोलियो की खुराक के खिलाफ भी फतवा जारी कर सकते हैं। पोलियो मुक्ति अभियान विदेशी मुल्क की साजिश है, बगैर छानबीन के बच्चों को पोलियो की खुराक न दी जाए। हमारे कहने पर यह फतवा जारी किया है मुफ्ती अब्दुल रहमान ने। मुफ्ती अब्दुल रहमान मानते हैं कि पोलियो की खुराक से बच्चा नपुंसक हो सकता है। ये विदेशी मुल्क की एक साजिश है जिसे हिंदुस्तान में पोलियो मुक्ति मुहिम के नाम पर चलाया जा रहा है। इससे अंदाज ये होता है कि अमरीका वगैरह जो है वो साजिशें कर रहे हैं। तो उसका जो आत्मा ये दी जाए कि जब तक खूब तहकीक ना हो जाए ये दवा न पिलाई जाए। मुफ्ती अब्दुल रहमान से हमने एक और फतवा लिया कि अंगदान करना मुसलमानों के लिए नाजायज है। इस फतवे का ताल्लुक ऐसे विकलांग और जरूरतमंद मरीजों से है जो दूसरों की मदद के भरोसे बैठे हैं। किसी नेत्रहीन को आंख की जरूरत है तो किसी मरीज को किडनी की। उनकी जरूरत तभी पूरी होगी जब कोई उनके लिए अंगदान करेगा, लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहमान ने जो फतवा जारी किया उसके मुताबिक अंगदान करना मुसलमानों के लिए नाजायज है। अगर कोई बीमार है मुफ्ती साहब, उसको सख्त जरूरत है किसी चीज की, तो आप अगर उसकी जान बचा सकते हैं। खून दे सकते हैं? क्या क्या चीज़ हराम है? नहीं दे सकते। किस किस चीज़ के लिए? और आधा नहीं दे सकते। उनके अलावा और कुछ नहीं दे सकते, चाहे आदमी जिए या मरे। अब गुर्दे की जरूरत पड़ रही है। हाँ, अगर गुर्दा मिल रहा आपका आप दे दे कहीं से? आप नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते, मुसलमान नहीं दे सकता। अपना गुर्दा, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, मुफ्ती अब्दुल रहमान एक तरफ तो कह रहे हैं कि अंगदान करना मुसलमानों के लिए नाजायज है, यहाँ तक कि परिवार के सदस्य की जान बचाने के लिए भी अंगदान करना जायज नहीं है। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान साहब का मानना है कि अगर खुद की जान खतरे में पड़ जाए तो किसी का अंग लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती साहब ने किस आधार पर यह फतवा जारी किया इसका मुकम्मल जवाब उनके पास भी नहीं था। उन्हें तो मतलब था फतवे के बदले मिलने वाली रकम से। हमने दो फतवों के लिए मुफ्ती अब्दुल रहमान को 3,000 रुपए दिए। प्राथमिक शिक्षा में मुस्लिम बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी की तालीम देना नाजायज है। यह फतवा जारी किया है मेरठ की तकिए वाली मस्जिद के मुफ्ती अब्दुल्ला ने। इस फतवे के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी की तालीम से हमारे बच्चे खुदा से दूर हो रहे हैं। इस फतवे के लिए हमारे साथ आए मौलाना इमरान ने मुफ्ती अब्दुल्ला से पहले ही बात कर रखी थी। मौलाना इमरान ने हमें जितने भी फतवे दिलवाए उनकी कमीशन वो लेता गया। बिचौलिया बनकर वो हमसे 1,000 रुपए ले चुका था, लेकिन उसकी पैसे की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अब एक हद से आगे जाकर हमारे साथ फतवे की सौदेबाजी करने लगा। हमारा पेमेंट
फतवा जब देंगे। मतलब अभी तक तो मामला मुफ्ती साहब ये चल रहा था कि जो आप आंख बंद करके दे दो वो हम ले लेंगे। अब ये हो रहा है कि साहब हमारा पेमेंट होगा, पैसा मिलेगा जब फतवा मिलेगा, फतवे की कॉपी मिलेगी। और फतवों के फरेब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ढेर सारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर अब जिलानी साहब और खालिद रशीद भी इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद जी, आप देख रहे हैं किस तरह से खुलेआम फतवों का सौदा किया जा रहा था, क्या कहेंगे आप? जी, जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं या जो कुछ भी हुआ वो नहायत ही काबिल अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। और ये हकीकत है कि मुख्तलिफ ज़िंदगी के मैदानों में गिरावट आई है, लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी तक मदारिस इस्लामिया में और ख़ासकर ऐसे डिपार्टमेंट में दारुल इफ्ता में इस किस्म का कोई वाकया सामने नहीं आया। और जिन लोगों ने भी इस तरीके से फतवे जारी किए हैं और यह शर्त आयद की है कि जब आप हमें पैसा देंगे तभी हम फतवा देंगे, तो ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ है। और ऐसे लोगों से तो जहाँ से भी, जिस मदरसे से भी उन्होंने डिग्री हासिल की है, उनकी इस डिग्री को फौरन ही ख़त्म कर देना चाहिए और उनसे फतवे जारी करने का इख्तियार वापस ले लेना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी हकीकत है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फतवा हमेशा से एक बहुत अहम बहस का मौजू बना रहता है और इसको अक्सर आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी ब्लो अप कर दिया जाता है। अब जी, बहस का मौजू हमेशा रहा है फतवा, लेकिन ये अलग किस्म की बहस हो रही है। जिस तरह से फतवे जारी किए गए हैं, जिन भी मुफ्तियों को हमने दिखाया उनमें से एक अभी भी दारुल इफ्ता में अभी भी हैं, इसके अलावा और भी कई इंस्टीट्यूशंस, कई इदारों से और भी मुफ्ती हैं, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने दारुल उलूम से तालीम हासिल की है। जी जी, और ये सारे जी बात है, अगर इन लोगों ने इतना घिनौना नापाक काम किया है तो इसको किसी भी किस्म से, किसी भी नुक्ते नज़र से जायज करार नहीं दिया जा सकता। और फतवा देना एक नहायत अहम जिम्मेदारी है, हर मसले में उलमाए कराम फतवे जारी भी नहीं करते। और ये बात भी अवाम को और मीडिया को समझनी चाहिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो चार अहम इदारे हैं फतवे जारी करने के लिए, वहीं के फतवों को अहमियत हासिल है और उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे अभी आपने पोलियो के सिलसिले में तस्करा किया, तो पोलियो के सिलसिले में जितने भी हमारे मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं, आलम दीन हैं, सब कह चुके हैं कि पोलियो की दवा पिलाना 100% जायज़ है, उसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाना लाजमी है। और ऐसे जो भी आपने मसाइल बयान किए, जो भी इन हजरात से फतवे लिए गए, उन मसाइल पर जनरली फतवे इश्यू नहीं किए जाते हैं। तो जिस मुफ्ती ने पोलियो के खिलाफ, पोलियो ड्रॉप के खिलाफ ये फतवा जारी किया है, आपके हिसाब से क्या आप उनको कहेंगे, किस तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, उनका यह फतवा कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि तमाम उलमा की अपीलें, राय और उनके अपने कमेंट्स पहले से पोलियो के सिलसिले में मौजूद हैं। और आप किस चैनल के ज़रिए से मैं तमाम आवाम से, ख़ासकर मुसलमानों से तक ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी भी शरई मामले में राय लेनी हो, फतवा लेने हो, तो जो रेप्यूटेड इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं से लिया जाए। और जो पोलियो के सिलसिले में इन्होंने फतवा जारी किया है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है और गलत। बिल्कुल, हम रेप्यूटेड इदारों के ही बारे में बात कर रहे थे, वहीं के भी कई मुफ्ती है और कई ऐसे जिन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय का इजहार किया। हम फिर से बात करते हैं सईद नकवी जी से। हमने देखा कि आसानी से फतवे हासिल किए जा रहे हैं, उनमें बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन भी है, विरोधाभास भी है, किसी एक चीज़ को जायज़ ठहरा दिया जाता है, किसी दूसरी चीज़ को लेकर नाजायज़, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फतवे जो हैं ये अनपढ़ मौलवी, अनपढ़ जनता के लिए हिंदुस्तान में जितनी ज़्यादा इलिटरेसी जितनी ज़्यादा है, वह देखिए फतवा क्या है। फतवा यह है कि साहब एक गरीब आदमी है, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भैया हमारी समझ में नहीं आवत, हम का करी, अब वो हमारे यहाँ वो लड़की के साथ ये हो गया, तो वो मौलवी साहब के पास चला गया। मौलवी साहब ने कहा देखो बेटा, मेरे ख्याल में तुम ऐसा करो। अब उसका उसने उसको अगर आप फतवा कह दें, फतवा जैसे कि एक दूसरे हजरत ने यहाँ कहा कि यहाँ के बाकायदा दो चार ऐसे ऐसे दारुल उलूम जैसे है, वहाँ से अगर मोतबर ज़राए से किसी बड़े इशू के ऊपर
वरना ये फतवे हैं ही नहीं, ये ठगी का जरिया है, लोगों की नादानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं। उस एक्सपोजर से ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान 150 मिलियन जो हैं, वो इस सब के गिरफ्तार हैं। इससे मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के जी अपनी बात जारी रखिए। नहीं, इसका तरीका एक ये है कि मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूं, वहां पे बड़े बड़े शोरा ने भी अगर कभी इस्लाम के खिलाफ कोई बात कही तो वहां पे ये किया जाता था कि उनके मुंह पे तारकोल लगा के उनको गधे पे बिठा के और शहर में चारों तरफ टहलाया जाता था। उससे आपका टेलीविजन का प्रोग्राम भी जारी रहेगा और ये लोग एक्सपोज भी हो जाएंगे, एक तफरी भी रहेगी। ये इतना सीरियस मसला नहीं है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप रखिए कि इनको मुंह पे कालिक लगा के गधों पे बिठा के ये जितने हजरात हैं वहां पे, इनको आप शहर अच्छे अच्छे शहरों में ले जाएं, खूबसूरत सड़कों पे इनको चलाएं, गधे पे बैठे हुए बड़े अच्छे दिखाई देंगे। और देखिए इसके अंदर आपके अंदर टेलीविजन की गुंजाइश इतनी ज्यादा है कि जितने एडवर्टाइजमेंट आपके पास आएंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि और आपके राइवल चैनल्स भी ये देख रहे हैं। जी हम बात करते हैं सुग्रा मेहंदी से, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। आपने सुनी सईद नकवी साहब की बात, उनका कहना है इन सब तरह के जो मुफ्ती जो हैं उनको गधे पे बिठाकर कालिक पोतकर घुमाना चाहिए। आप क्या कहेंगी सुग्रा जी? जी मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। और ये बात जो है ये इस वक्त जो चीज़ दिखाई जहाँ पे जा रही है और जो ये बहुत संजीदा बात है और इस पर बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और उसको इस तरह की बातें करने के लिए ये बातें करना कि ये करना चाहिए और सारे मौलवी ऐसे फतवे नहीं देते हैं और आप जो हैं वो जो ख़ास उलमा हैं उनसे आप फतवे लें। अरे दिन रात ये लोग मौलवी देते रहते हैं। अभी अभी मौलवियों ने अभी एक उसने फतवा दे दिया कि बरेलवी ने किसी देवबंदी ने बरेलवी के उस पर वो कर दिया सारे लोग निकाह करें। ये क्या दिन रात के फतवे होते रहते हैं। ये कह देना कि सिर्फ ये इस्लाम में ये सिर्फ नहीं हो रहा है बल्कि और जगहों पे भी हो रहा है। कहाँ तक हम लोग ये इस तरह से रेतों में अपने मुँहों को छुपाएंगे। ये एक बहुत ज़्यादा मैं अगर ये कहती हूँ कि अगर टेलीविज़न सिर्फ मुसलमानों ही की इस बात पे उसने कमर बांधी है कि मुसलमानों की खराबियों कमियों को दिखाएगा तो भी हमें इस्लाम के लिहाज से गधे पे बिठाने के खिलाफ ये क्यों होना चाहिए और होना चाहिए ये गधे पे बिठाने के खिलाफ क्यों होना चाहिए कि वो हमारे कमियों को बता रहे हैं और इस वक्त उलमा को और लोगों को बहुत इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन सारे लोगों की इनको नौकरियों से निकालना चाहिए, इनकी डिग्रियों को जब्त करना चाहिए और इसके खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट लेने चलाने चाहिए। ये बातें इस तरह की हैं कि भाई सब कहीं ये हो रहा है। अरे सब कहीं कुछ भी हो रहा है, इस्लाम जैसे मजहब में ये कैसे हो रहा है और कैसे इस बात की यहाँ के बड़े बड़े उलमा जो हैं उस बात की कैसे इजाज़त दे रहे हैं और इस बात को इतनी नॉन सीरियसली कैसे लिया जा रहा है, हैं? दुनिया में अब हर वक्त चाय पानी और बड़े बड़े सियासत के लोग और बड़े बड़े जर्नलिस्ट और हर एक रिश्वतें ले रहे हैं लेकिन ये कि मजहब के लोग किस तरह से रिश्वतें ले रहे हैं। मैं इस बात पे बहुत सख्त प्रोटेस्ट कर रही हूँ और ये इस वक्त ऐसे ये मसला ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ऐसी दबी दबी जमानों में बातें की जाएं। ठीक है पोलियो के लिए उन्होंने बहुत से लोगों ने मौलवियों ने और सारे लोगों ने कह रहे हैं बहुत अभियान चल रहा है लेकिन एक मौलवी का गलत वो चीज़ जो है वो जाहिल लोगों को बहका देगी और वो नहीं कराएंगे क्योंकि वो खुद ही तैयार नहीं है इसके लिए। तो ये बात सही ऐसी नहीं है। ये बहुत और एक सवाल मेरा मीडिया का बोले सही जी एक ये बहुत ही बड़ा वो है कि इसके ऊपर सीरियसली लेना चाहिए मौलवियों को देना चाहिए। मैं सईद नकवी सुग्रा जी सईद साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मौलवी साहबान को भी सीरियसली लेना चाहिए और सुग्रा मेहदी साहब बहुत नाराज हैं इस बात के ऊपर लेकिन उनसे सवाल ये है कि भाई अगर जो ठग जिन ठगों को हमने देखा है अभी अगर उनके चेहरे काले करके उनको गधों पर बिठा दिया जाए तो इनको एतराज क्यों? ये क्यों करें
ये बिल्कुल ये कोई उस जमाने की बात होगी जब लखनऊ में इस किस्म की कोई तहजीब थी, ये आजकल की ये कोई तहजीब नहीं है ना, ये कोई तरीका है। ये मैं इस सिलसिले में बिल्कुल बात करना चाह रही, मैं तो सिर्फ और नहीं, आपका टेलीविजन है, मैं आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाह रही, मैं तो सिर्फ करिए जी, बिल्कुल मैं तो कर रही हूँ, क्योंकि आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं, मैं तो अपनी राय दे रही हूँ और मैं तो मुखातिब ही नहीं हूँ आपसे, ना आपकी राय पे कोई रायजा नहीं करना चाह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ, ये बहुत शर्मनाक बात है और इस तरह से हम कभी अपना दामन नहीं बचा सकते कि सारे लोग ये कर रहे हैं, सारे मजहब के लोग कर रहे हैं, सब में बदउनवानियाँ हैं कहीं भी हों, लेकिन अगर हमारे मजहब में बदउनवानी है तो वो हमारी पूरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए और हमसे ज्यादा सारे उलमा को समझना चाहिए। ये शुरू से चल रहा है, ये सिलसिला आज नहीं हुआ है, ये सिलसिला हुआ है, इससे शुरू से है, ये मौलवी साहब नहीं है, ये ठग है, आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रही हैं, ये मौलवी साहबान वो नहीं है, ये ठग है भैया, ये वो लोग हैं जो कि अपनी टोपी सफेद पहन ली और ये कुर्ता पैजामा पहन लिया और इन्होंने कहा कि साहब हम फतवा दे रहे हैं, तो जितनी जहालत कौम के अंदर है उसका फायदा उठाने के लिए जो आले इस वक्त मौजूद हैं वो उनके लिए ये एक चीज फराहम कर दी गई है, ये ठग है भाई, इनसे मौलवी साहबान तो अगर पढ़े लिखे उलमा हो तो मैं उनसे बात करूं, इन अहमकों से क्या, इनके बारे में बात क्या। वक्त रोकूंगी, हमारे साथ सफरयाब जिलानी जी भी मौजूद हैं, आप सुन रहे हैं दोनों की बात को, क्या कहना है, अपनी अपनी राय इजहार कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक इसका ताल्लुक है कि वो लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये मैंने इस तरीके को, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और जैसा सईद साहब ने कहा ये बिल्कुल सही है कि ये मौलवी कहलाने के हकदार नहीं है कि जो पैसा लेकर गलत फतवा देने के बारे में सोच भी सकता है, और यकीनन ये अगर उन्होंने ऐसा हरकत की और किसी दारुलूम के ये सनद याफ्ता है तो उन्होंने उस दारुलूम को भी बदनाम किया, लेकिन जो हमारे बड़े दारुलूम हैं जिनकी की अपनी जगह एक मुकाम है, जैसा आपने खुद जिक्र किया मुफ्ती सफीरुद्दीन साहब का कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो यकीनन ये बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की है कि जो शरीयत में किसी किस्म की मदाखलत या शरीयत के नाम पर किसी किस्म का पैसा या रिश्वत लेने पर आमादा नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये हरकत की है उनके लिए जो सज़ा हिंदुस्तान का कानून तजवीज़ करे उसमें मेरा ख्याल से किसी को इतराज़ नहीं होता, वो सईद नकवी साहब की सज़ा हो या कोई दूसरी सज़ा हो, लेकिन बहरहाल चूँकि ये हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर किसी बादशाह का हुक्म नहीं चलता बल्कि कानून की हुक्मरानी है, तो लिहाजा सजा तो वही हो सकती है कि जिसको कानून इसकी इजाज़त देता है, और उसमें कोई तकल्लुफ किसी को नहीं होगा कि अगर कोई शख्स ऐसी कोई हरकत करता है कि जो कानून के जद में आती है और कानून के खिलाफ है, यकीनन कोई गलत फतवा देना, शरीयत की गलत तशरीह करना जानबूझकर, लेकिन ना अनजाने में कोई बात हो जाए तो वो काबिले माफ़ी है, गलत फतवा उससे भी हो सकता है जो अनजाने में या कम फहमी की बुनियाद पर दे दे, लेकिन जो जानबूझकर गलत बयानी कर रहा है, गलत फतवा दे रहा है, वो ऐसा ही है जैसे कि एक डॉक्टर गलत मशवरा दे रहा है जानबूझकर, या गलत मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है, या एक वकील जानबूझकर गलत लीगल ओपिनियन दे रहा है, वो सब काबिले उसमें इल्ज़ाम हैं, और उसी तरीके से अगर कोई मुफ्ती शरीयत के खिलाफ जानबूझकर को गलत जी ज़फरयाब साहब जो आप बात कह रहे हैं कि सजा होनी चाहिए, कम से कम आप तीनों ही लोग इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं कि सजा होनी चाहिए, किस तरह से और कैसे इसको लेकर जरूर आपके आपस में मतभेद होंगे। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा फतवों के फरेब के बारे में और भी सनसनीखेज खुलासे, देखते रहिए स्टार न्यूज। फाइल पास हो जाएगी, पहले पैसे ला और रिपोर्ट को गायब कर। धंधा करने वालों को अनिरुद्ध बहल करेंगे। हम बात कर रहे हैं फतवों के फरेब की, फतवों के सौदेबाजी की। हमने की एक खास तहकीकात और ये मालूम किया कि मन मर्जी से कई मुफ्ती कुछ पैसों की एवज में फतवे जारी कर देते हैं, लेकिन इस पूरी तहकीकात में, इस पूरे सिलसिले में हमें मिला एक ईमानदार मुफ्ती भी। ये है मुफ्ती जफीरुद्दीन, जिन्होंने मना कर दिया पैसे लेने से, जो भी इनको फतवा जारी करना था वो उन्होंने जारी किया।
अपनी धार्मिक सोच के, अपनी मर्जी के हिसाब से। लेकिन जब बात हुई पैसे की, हदिया तक का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। इन्होंने कहा सिर्फ दुआ ही काफी है। बात करते हैं सईद नकवी जी से। सईद जी, आपने देखा कि ऐसे भी हमें एक मुफ्ती मिले जिन्होंने किसी भी तरह से पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुफ्ती से जितने भी मुफ्ती साहबान हैं उनसे बहुत ही शायद नादर मेरी मुलाकात होती होगी। मुसलमान जो हैं वो अपनी रोटी रोजी से लगे हुए हैं, मुसलमान अपने कामों से लगे हुए हैं, मुसलमान अपने धंधों में लगे हुए हैं। मौलवी साहबान की जरूरत उनको मेरे ख्याल में साल, दो साल, दस साल में एक दफा होती है। उनकी जिंदगी में ये हजरात मुखबिल नहीं है, वो जिंदगी अलग चल रही है। और आपके प्रोग्राम से ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे और दुनिया के मुसलमानों पे एक बहुत बड़ी चीज जो 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 छाप लगी हुई है वो इन मुफ्तियों की है या मौलवी साहब। देखिए पढ़े लिखे उलेमा हमारे यहाँ है। जी सईद साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों पर असर पड़ता है इन फतवों से, और वो सब अनपढ़ लोग नहीं है। कई लोग हैं, बहुत बड़ा तबका है जो यकीन करता है, उनको उनको यकीन है इस तरह के फतवों पर, और वो गुमराह होते हैं जब इस तरह के फतवे आते हैं। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी फतवों के फरेब पर हम चर्चा करेंगे और करेंगे, और फतवों के खिलाफ फतवे की हम बात करेंगे। धंधा करने वालों को अनिरुद्ध दंड करेंगे। दोषों का पक्का मुझे फाइल पास हो जाएगी, पहले पैसे ला और रिपोर्ट को गायब कर दूंगा। धंधा करने वालों को अनिरुद्ध दंड करेंगे। हम कर रहे हैं बेनकाब धर्म के ठेकेदारों को। यहाँ फतवों के खिलाफ भी है फतवा। हमने आपको दिखाया कि कैसे दो फतवे कहते हैं कि मुसलमानों का टीवी देखना और डबल बेड पर सोना हराम है, लेकिन दो फतवे एकदम इसके उलट भी हमको मिले। हमने मेरठ के जामिया महमूदिया मदरसे के मुफ्ती कोकब से एक फतवा लिया था, मुसलमानों के लिए घर में टेलीविजन देखना नाजायज है। ये फतवा हमने मुफ्ती कोकब को रुपए देकर हासिल किया, लेकिन हमारे हाथ में एक दूसरा फतवा भी था, टेलीविजन देखना जायज है। यह फतवा जारी किया है मुफ्ती अहमद नादिर अल कासमी ने। कासमी साहब दिल्ली की इस्लामिक फिक एकेडमी के मुख्य मुफ्ती हैं। ये इस्लाम से जुड़े एक धार्मिक चैनल पर भी दिखते हैं। मुफ्ती अहमद नादिर अल कासमी ने भी रुपए लेकर हमारी मर्जी का फतवा जारी किया। टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक आला है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक आला है, इनर से ही वो कोई नायाब और आराम चीज नहीं है। मुफ्ती अहमद नादिर अल कासमी ने भी हमारे मुताबिक फतवा जारी किया। फतवे के मुताबिक टेलीविजन देखना जायज है। इस फतवे के लिए कासमी साहब ने हमसे 5,000 रुपए लिए। एक ही मसले पर दो फतवे। एक मुफ्ती ने कहा घर में टेलीविजन देखने में कोई हर्ज नहीं है, तो दूसरे मुफ्ती ने फतवा जारी किया कि घर में टेलीविजन देखना नाजायज और नापाक है। मोटी रकम मिले तो पल भर में मुफ्तियों के ख्यालात भी बदल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही मुफ्ती एक मसले पर दो अलग अलग फतवे जारी कर देते हैं। बस एहतियात के लिए फतवा लेने वाले का नाम अलग होना चाहिए। दिल्ली में मौलाना शमीम नाम के इस बिचौलिए से हमने ऐसा ही सौदा किया। तैयार करके
किसी और के नाम से डालो, अपना नाम अपना अपने नाम से डालो, मेरे फलों को अपने नाम से डालो। बोलिए बोलिए, समझ नहीं आ रहा, पहले भी जवाब दे चुका हूँ, कोई और लाया होगा ऐसा। तो आप दोनों हक में दिलवाइए, तो इंशाल्लाह कल वाले लिखकर फाइल में लगा लूँगा। मौलाना शमीम बड़े माहिर हैं, ये तो हमें फतवों की सौदेबाजी करने वाले मुफ्ती को भी धोखा देने की जुगाड़ बता रहे थे। रुपए हो तो एक ही मसले पर दो फतवे जारी करवाना ऐसे बिचौलियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। डबल बेड का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए नाजायज है। 3,000 रुपए लेकर ये फतवा जारी किया खादिमुल इस्लाम मदरसे के मुफ्ती रियासत ने। लेकिन हमने एक ऐसा फतवा भी जारी करवाया जिसके मुताबिक मुसलमानों के लिए डबल बेड का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। डबल बेड का इस्तेमाल जायज है, ये फतवा जारी किया है मेरठ के जामिया मुजफ्फरिया शौबत कालम के मुफ्ती खुर्शीद अहमद कासमी ने। कासमी साहब के मुताबिक डबल बेड भी आम फर्नीचर की तरह है और मजहब का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। डबल बेड में लिखा इस प्रोग्राम पर पूरा माना अपने को इस्तेमाल बिना कराम जरूर कर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई डबल बेड जैसे फर्नीचर का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए जायज है। इस फतवे के लिए जामिया मुजफ्फरिया शौबत कालम के मुफ्ती खुर्शीद अहमद कासमी ने हमसे 5,000 रुपए लिए। कासमी साहब को ये पता नहीं था कि उनकी ही बिरादरी के दूसरे मुफ्ती डबल बेड को नाजायज करार दे रहे हैं। ये फतवों की सौदेबाजी में लगे मुफ्तियों का ऐसा चेहरा है जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता। हम बात कर रहे हैं फतवों की सौदेबाजी के बारे में, हमारे साथ है अनिरुद्ध बहल। आप बताइए, आपकी टीम ने तहकीकात की, अलग अलग संस्थानों अलग अलग इदारों में, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद का हो, जामिया महमूदिया हो, जामिया निजामिया हो मेरठ का, इस्लामिक फिक एकेडमी हो, कई इदारे कई संस्थानों में जाकर इस तरह की तहकीकात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन मदरसाज हैं, और ये कहना बहुत विभिन्न जिनों की ये जाने माने नहीं हैं, बहुत ही जाने माने हैं और फेमस एक तरह से अपने सर्कल में ये एकेडमीज़ हैं। और दूसरा, जैसे कॉन्ट्ररी फतवाज की बात आई, हम ये पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे कि जो आप चाहते हैं वो देंगे वैसा फतवा। बिल्कुल, उसके बारे में बात करते हैं जफर याब जिलानी जी से। एक ही मसले पर बिल्कुल अलग अलग किस्म के फतवे, इनको जफर याब जी कैसे समझा जाए? हम नहीं कह सकते क्या सवाल पूछा गया था उसका क्या जवाब आया। वैसे जो आपकी बात सुनने से जो अंदाजा हो रहा है वो तो ऐसा लगता है कि एक फतवा सही है और एक फतवा गलत है। मसलन अगर कोई मुफ्ती ये कहे कि वो डबल बेड पर सोना नाजायज है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन से शरीयत का इंटरप्रिटेशन वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर मैं राय जब तक नहीं दे सकता जब तक कि ये मुझे मालूम हो कि सवाल क्या पूछा गया था। क्योंकि ये फतवा एक सवाल का जवाब होता है। जैसे हमसे कोई लीगल ओपिनियन पूछे, तो जो ओपिनियन पूछेगा वो हम उस इशू पर जो लिख कर हमको सवाल देगा। किसी एक चीज को करना या तो सही है या गलत है, लेकिन एक फतवा कहे कि सही है और उसी चीज को दूसरा फतवा कहे कि बिल्कुल ही नाजायज है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सवाल, ये बिल्कुल सही कह रहा हूं आपसे। अगर सवाल यही था कि डबल बेड पर सोना जायज या नाजायज, तो जवाब बिल्कुल गलत मालूम होता है और इसका कोई मेरा ख्याल से गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर याब जी, आपने अपनी राय का इजहार किया। आपने ये भी कहा कि सजा देने की, मजम्मत करने की सख्त जरूरत है इस पूरे पूरे मामले में। हम बात करते हैं मौलाना मुस्तकीम ए आजमी से, जो महाराष्ट्र हज बोर्ड के सदस्य हैं। आपने देखा कि अलग अलग फतवे जारी किए गए एक ही मौजू पर अलग अलग बात पर, जिस तरह से खुलेआम तौर पर सौदेबाजी की गई, बिना सोचे समझे इन तरह को फतवों को जारी किया गया, उसके बारे में मौलाना साहब आप क्या कहेंगे? सादिया जी, ऐसा है कि फतवा नाम है शरीयत के अहकाम को बताने का, ये कोई कानून का फैसला नहीं होता। शरीयत के जो अहकाम हमें मालूम है, कोई हमसे पूछे वो हम बतावें,
लेकिन उसके लिए मुफ्ती की शर्त ये है कि वो 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग लेता है, उसको उसके वसूल जाब्ते बताए जाते हैं, उसके मुताबिक बताता है। अब मसले 2 तरह के हैं। एक मसला वो है जो कुरान और हदीस में मौजूद है, उसमें तो किसी इख्तलाफ का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। और कुछ मसाइल ये हैं जो नए नए पैदा होते हैं, उन मसाइल में हिदायत ये होती है कि कुरान और हदीस के किसी मसले से उसकी रोशनी लो, और वो अगर अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के मुताबिक है तो उसको सही कहो, अगर मंशा के मुताबिक नहीं है तो गलत कहो। तो ये इसको इज्तिहादी मसाइल कहते हैं, जो कुरान हदीस से बराह रास्त हैं वो मंसूस मसाइल कहते हैं, और जो गौर व फिक्र से उसमें नई चीज़ें पैदा हो गई हैं उसके बारे में राय देना है उसको इज्तिहादी मसला कहते हैं। इज्तिहादी मसले में इख्तलाफ हो सकता है और होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए आप देखती हैं कि इस्लाम में भी बड़े बड़े 4-5 मसालिक हैं और उनकी राय कुछ कुछ दोनों से मुख्तलिफ है इसी बुनियाद पर। लेकिन हम आज जिस मसले पर सोच रहे हैं कि अल्लाह के अहकामात को बताना, उसको सौदा करना, पैसों के ज़रिए बेचना, ये बहुत बड़ी लानत है। इख्तलाफ़ राय फतवे में हो सकता है, इसलिए कि मैंने ये समझा कि कुरान और हदीस की मंशा ये होगी, दूसरे ने समझा कि ये हो सकती है, इसीलिए जो इज्तिहादी मसाइल हैं उसमें सख्ती नहीं है। जानने वाला अगर ये महसूस करता है कि मुफ्ती ने इस चीज़ को सही कहा है लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता तो मुझे नहीं करना चाहिए, मुफ्ती ने इस चीज़ को सही नहीं कहा है लेकिन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए तो मैं उसको अमल करूँ, तो यानी कि अंधाधुंध ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत मौलाना साहब। हमारे साथ इस वक्त उबैदुल्ला खान आजमी, कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, उनसे इस पूरे मामले पर राय लेते हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जैसा कि आपके टीवी के जरिए मालूम हुआ है कि कुछ लोगों के बारे में कि उन लोगों ने फतवे पैसे ले लेकर के दिए हैं, और अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा काबिल शर्म और डूब मरने की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। ये वक्त की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जहाँ कुरान और हदीस के अहकाम पर अमल करने के लिए इंतहाई मुखलिस होना चाहिए फतवा देने वालों को, अगर फतवा देने वाले ही कुरान और हदीस बेचेंगे तो इससे ज्यादा बुरी बात तो नहीं हो सकती। ऐसे ही लोगों के लिए किसी ने कहा था, ये फतवों के दलाल, ये कुरान के ताजिर मजारे शहे अंबिया बेच डालें, बचो इन मजाहिब के सौदागरों से, ये मौका जो पाएं खुदा बेच डालें। तो ऐसे लोगों से पूरी कौम को आगाह होना चाहिए और ऐसे लोगों की जम के मुखालफत होनी चाहिए, बल्कि उन्हें फतवा देने के सिलसिले में नाअहल करार दे देना चाहिए। उन्हें कोई हक ही नहीं पहुंचता कि इस तरह से पैसा लेकर के कौम का एक्सप्लाइटेशन करें। बिल्कुल, यानी कि उनको कोई हक नहीं मिलना चाहिए कि किसी और की किस्मत का वो इस तरह से फैसला करें, और उनकी डिग्रियां भी जैसे कि आप कह रहे हैं वापस ले लिया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत मौलाना उबैदुल्ला खान साहब हमसे बात करने के लिए। हम बात करते हैं अब सुगरा मेहंदी जी से। सुगरा जी, इतनी बार फतवे आते हैं, कितने लोगों पर उनका असर होता है, कई लोग गुमराह होते हैं जब इस तरह के मुफ्ती आसानी से मनमर्जी के फतवे जारी कर देते हैं। देखिए, यही बात मैं आपसे कहना चाह रही थी कि ये कहना कि ये जो मुफ्ती हैं इनके कोई मुफ्तियों से अब किसी को नहीं है, ये मुफ्ती नहीं है, ये मुफ्ती हैं और ये मुफ्ती कहलाते हैं और ये अपने फतवे देते हैं, और जो लोग मुसलमानों की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जुलते हैं, उनकी ज़िंदगी को करीब से देखते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि इन फतवों का इस मुसलमानों की ज़िंदगी पर कितना ख़राब असर पड़ता है। और इसके लिए ये कहना कि कानून मुल्क इसकी सज़ा दे, ये काम मुल्क का नहीं है सज़ा देने का, ये इस्लामी उलमा का काम है कि वो इन लोगों ये एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएं और इस किस्म के जो नाम के मुफ्ती हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जो फतवों को बदनाम कर रहे हैं, जो पूरे इस्लाम की रूह को वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त तहरीक चलाई जाए, उनकी डिग्रियां जब्त की जाएं और इस चीज़ को बहुत
बहुत आसानी, यानी कि बिल्कुल सख्त कार्रवाई की तहरीक की आप बात कर रही हैं। उनकी सनत उनकी डिग्री तक ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुग्रा जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महेश भट्ट जी, आप बताइए आपका क्या कहना है? आपने देखा किस तरह से फतवों के साथ सौदेबाजी की जा रही है। रसूल अल्लाह प्रॉफिट ऑफ गॉड मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि मेरे एक हाथ में चांद दे दो और दूसरे हाथ में सूरज, फिर भी मैं वही कहूंगा जो सच है जी। शर्म की बात यह है कि जो उस रसूल के नाम पे आज हमारे बीच हैं, वो उस रसूल को ही बेच रहे हैं। और अनिरुद्ध ने बहुत कमाल का काम किया है ये स्टिंग ऑपरेशन करके, क्योंकि इससे एक बात क्लियरली हमारे सामने आती है कि इंडिया इज अ सिविलाइजेशन विच इज इन डीके। कहीं पर एक ऑलराउंड डीके है, कहीं पर एक गलत फहमी होती है एक तबके में, खास करके बेचारे हमारे जो अनपढ़ वल्नरेबल सेक्शन में, कि एक स्थान है, एक इलाका है मजहब का जहां पर बेईमानी नहीं है। हम मानते थे पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिशियंस में करप्शन सेकंड हो गया है, मगर कहीं पर एक गलत फहमी होती थी कि नहीं, यहां पर शायद ये लोग ईमानदार हैं। लो, आज की रात वो भरम भी गया। मगर अनिरुद्ध, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम का काम तो आप कर रहे हो, क्योंकि ईमान को जगाना ही तो काम है इस्लाम का, और काम क्या है? दाढ़ी रखने से या टोपी पहनने से आदमी मुसलमान नहीं हो जाता, ईमान का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने ये सोचा हम। और मेरा ये कहना है कि शायद ये घड़ी आ गई है कि रेनेसांस, एक रिसर्जेंस कहीं पर हमारे बीच में होना चाहिए, ऑल अराउंड होना चाहिए। और कहीं पर अगर हम इस सत्य से, इस कड़वी सच्चाई से आंख नहीं मिला सकते तो हम झुक जाएंगे। स्टार न्यूज अनिरुद्ध, ये काम आपने बहुत कमाल का किया है कि आपने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देवबंद इज वैटिकन ऑफ द इस्लामिक कल्चर, उसके अंदर जाकर वहां के मुफ्ती तो कहते हैं कि वो जज के लेवल के होते हैं, वो तो भैया प्रेजेंट भी नहीं ले सकते, ये तो पैसा लेते दिखाए। मगर वो एक बूढ़ा आदमी जिसने कहा कि नहीं भाई, हम नहीं लेते, वो कहीं पर उसमें उम्मीद नजर आती है कि ऐसे भी लोग जिंदा हैं जो वो इस्लाम के वो टेनेट्स को जीते हैं, उनके अंदर ईमान जिंदा है, और एक भी अगर ऐसा नजर आ जाए तो वो हमें बचा लेगा। और ये हम ये जिन्होंने जो इस्लाम के नाम पर ये दुकान चलाई है, जो पैसे गिन रहे हैं इस वक्त आपके कैमरा के स्क्रीन पर, ये इसको नहीं डुबा पाएंगे, क्योंकि इस्लाम को जिंदा रखेगा अनिरुद्ध बहल। बिल्कुल महेश जी भट्ट जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी फतवों के फरेब के बारे में बात करेंगे। ये फतवा आया है हिंदुस्तान को पोलियो से बचाने के लिए सरकार ने शुरू की। जब खत्म हो गए तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक न देने का एक नया बहाना खोज निकाला, जाति धर्म। मैं उन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, अरे भेजा है या भेजवा दूं? सर, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अरे पोलियो की बीमारी का जाति और धर्म से क्या लेना देना? बिल्कुल, जाति और धर्म से पोलियो की खुराक का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बात जब रुपयों की हो तो मुफ्ती पोलियो की खुराक के खिलाफ भी फतवा जारी कर सकते हैं। पोलियो मुक्ति अभियान विदेशी मुल्क की साजिश है, बगैर छानबीन के बच्चों को पोलियो की खुराक न दी जाए। हमारे कहने पर यह फतवा जारी किया है मुफ्ती अब्दुल रहमान ने। मुफ्ती अब्दुल रहमान मानते हैं कि पोलियो की खुराक से बच्चा नपुंसक हो सकता है, ये विदेशी मुल्क की एक साजिश है जिसे हिंदुस्तान में पोलियो मुक्ति मुहिम के नाम पर चलाया जा रहा है। इससे अंदाजा होता है कि अमेरिका वगैरह जो है वो साजिशें कर रहे हैं। अच्छा, तो उसका जवाब मान ये दी जाए कि जब तक खूब तहकीक ना हो जाए ये दवा न पिलाई जाए। मुफ्ती अब्दुल रहमान से हमने एक और फतवा लिया कि अंगदान करना मुसलमानों के लिए नाजायज है।
इस फतवे का ताल्लुक ऐसे विकलांग और जरूरतमंद मरीजों से है जो दूसरों की मदद के भरोसे बैठे हैं। किसी नेत्रहीन को आंख की जरूरत है तो किसी मरीज को किडनी की। उनकी जरूरत तभी पूरी होगी जब कोई उनके लिए अंगदान करेगा। लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहमान ने जो फतवा जारी किया उसके मुताबिक अंगदान करना मुसलमानों के लिए नाजायज है। आँख का दान मांगते हैं वो जायज नहीं है। आँख का ही दान जायज नहीं है या कोई भी शरीर का कोई भी अंग किसी भी आज़ू का दान जायज नहीं है। हम इसके मालिक ही नहीं। अगर कोई बीमार है मुफ्ती साहब उसको सर जरूरत है किसी चीज़ की तो आप अगर उसकी जान बचा सकते हैं बचाओगे? मैं कहीं से बिकता हूँ खून दे सकते हैं? तो क्या क्या चीज़ हराम है? नहीं दे सकते। किस किस चीज़ के लिए मना है? और आधा नहीं दे सकते। उनके अलावा और कुछ नहीं दे सकते चाहे आदमी जिए या मरे? अब गुर्दे की जरूरत पड़ रही है। हाँ अगर गुर्दा मिल रहा आपका आप दे दे कहीं से? आप नहीं दे सकते गुर्दा? हम नहीं दे सकते। मुसलमान नहीं दे सकता अपना गुर्दा? चाहे कोई भी रिश्ता हो बाप बेटे का रिश्ता हो मुफ्ती अब्दुल रहमान एक तरफ तो कह रहे हैं कि अंगदान करना मुसलमानों के लिए नाजायज है, यहाँ तक कि परिवार के सदस्य की जान बचाने के लिए भी अंगदान करना जायज नहीं है। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान साहब का मानना है कि अगर खुद की जान खतरे में पड़ जाए तो किसी का अंग लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती साहब ने किस आधार पर यह फतवा जारी किया इसका मुकम्मल जवाब उनके पास भी नहीं था। उन्हें तो मतलब था फतवे के बदले मिलने वाली रकम से। हमने दो फतवों के लिए मुफ्ती अब्दुल रहमान को 3,000 रुपए दिए। प्राथमिक शिक्षा में मुस्लिम बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी की तालीम देना नाजायज है। यह फतवा जारी किया है मेरठ की तकिए वाली मस्जिद के मुफ्ती अब्दुल्ला ने। इस फतवे के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी की तालीम से हमारे बच्चे खुदा से दूर हो रहे हैं। इस फतवे के लिए हमारे साथ आए मौलाना इमरान ने मुफ्ती अब्दुल्ला से पहले ही बात कर रखी थी। मौलाना इमरान ने हमें जितने भी फतवे दिलवाए उनकी कमीशन वो लेता गया। बिचौलिया बनकर वो हमसे 1,000 रुपए ले चुका था लेकिन उसकी पैसे की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अब एक हद से आगे जाकर हमारे साथ फतवे की सौदेबाजी करने लगा। मतलब अभी तक तो मामला मुफ्ती साहब ये चल रहा था कि जो आप आंख बंद करके दे दो वो हम ले लेंगे। अब ये हो रहा है कि साहब हमारा पेमेंट होगा पैसा मिलेगा जब फतवा मिलेगा फतवे की कॉपी मिलेगी। और फतवों के फरेब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ढेर सारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर अब जिलानी साहब और खालिद रशीद भी इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद जी आप देख रहे हैं किस तरह से खुलेआम फतवों का सौदा किया जा रहा था, क्या कहेंगे आप? जी जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं या जो कुछ भी हुआ वो नहायत ही काबिले अफसोसनाक है, काबिले मजम्मत है। और ये हकीकत है कि मुख्तलिफ ज़िंदगी के मैदानों में गिरावट आई है लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी तक मदारिस इस्लामिया में और ख़ासकर ऐसे डिपार्टमेंट में दारुल इफ्ता में इस किस्म का कोई वाकया सामने नहीं आया। और जिन लोगों ने भी इस तरीके से फतवे जारी किए हैं और यह शर्त आयद की है कि जब आप हमें पैसा देंगे तभी हम फतवा देंगे तो ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ है। और ऐसे लोगों से तो जहाँ से भी जिस मदरसे से भी उन्होंने डिग्री हासिल की है उनकी इस डिग्री को फौरन ही ख़त्म कर देना चाहिए और उनसे फतवे जारी करने का इख्तियार वापस ले लेना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी हकीकत है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में
जी फतवा हमेशा से एक बहुत अहम बहस का मौजू बना रहता है और इसको अक्सर आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी ब्लो अप कर दिया जाता है। जी बहस का मौजू हमेशा रहा है फतवा, लेकिन ये अलग किस्म की बहस हो रही है। जिस तरह से फतवे जारी किए गए हैं, जिन भी मुफ्तियों को हमने दिखाया उनमें से एक अभी भी दारुल इफ्ता में अभी भी हैं। इसके अलावा और भी कई इंस्टीट्यूशंस, कई इदारों से और भी मुफ्ती हैं, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने दारुल उलूम से तालीम हासिल की है। जी जी, और ये सारे तो जाहिर जी बात है, अगर इन लोगों ने इतना घिनौना नापाक काम किया है तो इसको किसी भी किस्म से, किसी भी नुक्ते नज़र से जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। और फतवा देना एक नहायत अहम जिम्मेदारी है। हर मसले में उलमाए कराम फतवे जारी भी नहीं करते, और ये बात भी अवाम को और मीडिया को समझनी चाहिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो चार अहम इदारे हैं फतवे जारी करने के लिए, वहीं के फतवों को अहमियत हासिल है और उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे अभी आपने पोलियो के सिलसिले में तस्करा किया, तो पोलियो के सिलसिले में जितने भी हमारे मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं, आलम दीन हैं, सब कह चुके हैं कि पोलियो की दवा पिलाना 100% जायज़ है, उसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाना लाजमी है। और ऐसे जो भी आपने मसाइल बयान किए, जो भी इन हजरात से फतवे लिए गए, उन मसाइल पर जनरली फतवे इश्यू नहीं किए जाते हैं। तो जिस मुफ्ती ने पोलियो के खिलाफ, पोलियो ड्रॉप्स के खिलाफ ये फतवा जारी किया है, आपके हिसाब से क्या आप उनको कहेंगे, किस तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, उनका यह फतवा कतई तौर पर मुनासिब नहीं है, और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि तमाम उलमा की अपीलें, राय और उनके अपने कमेंट्स पहले से पोलियो के सिलसिले में मौजूद हैं, और आपके इस चैनल के ज़रिए से मैं तमाम आवाम से, ख़ासकर मुसलमानों से तक ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी भी शरई मामले में राय लेनी हो, फतवा लेने हो, तो जो रेप्यूटेड इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं से लिया जाए, और जो पोलियो के सिलसिले में इन्होंने फतवा जारी किया है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है और गलत। बिल्कुल, हम रेप्यूटेड इदारों के ही बारे में बात कर रहे थे, वहीं के भी कई मुफ्ती हैं और कई ऐसे जिन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय का इजहार किया। हम फिर से बात करते हैं सईद नकवी जी से। हमने देखा कि आसानी से फतवे हासिल किए जा रहे हैं, उनमें बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन भी है, विरोधाभास भी है। किसी एक चीज़ को जायज़ ठहरा दिया जाता है, किसी दूसरी चीज़ को लेकर नाजायज़, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फतवे जो हैं ये अनपढ़ मौलवी, अनपढ़ जनता के लिए हिंदुस्तान में जितनी ज़्यादा इलिटरेसी जितनी ज़्यादा है, वह देखिए फतवा क्या है। फतवा यह है कि साहब एक गरीब आदमी है, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भैया हमारी समझ में नहीं आवत, हम का करी, अब वो हमारे यहाँ वो लड़की के साथ ये हो गया, तो वो मौलवी साहब के पास चला गया। मौलवी साहब ने कहा देखो बेटा, मेरे ख्याल में तुम ऐसा करो। अब उसको अगर आप फतवा कह दें, फतवा जैसे कि एक दूसरे हजरत ने यहाँ कहा कि यहाँ के बाकायदा दो चार ऐसे दारुल उलूम जैसे हैं, वहाँ से अगर मोतबर ज़राए से किसी बड़े इशू के ऊपर, वरना ये फतवे हैं ही नहीं, ये ठगी का जरिया है, लोगों की नादानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं। उस एक्सपोजर से ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान 150 मिलियन जो हैं वो इस सब के गिरफ्तार हैं। इससे मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि सही जी, सही जी, मैं आप जी अपनी बात जारी रखिए। नहीं, इसका तरीका एक ये है कि मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूं, वहां पे बड़े बड़े शोरा ने भी अगर कभी इस्लाम के खिलाफ कोई बात कही तो वहां पे ये किया जाता था कि उनके मुंह पे तारकोल लगा के उनको गधे पे बिठा के और शहर में चारों तरफ टहलाया जाता था। उससे आपका टेलीविजन का प्रोग्राम भी जारी रहेगा और ये लोग एक्सपोज भी हो जाएंगे, एक तफरी भी रहेगी। ये इतना सीरियस मसला नहीं है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप रखिए कि इनको मुंह पे कालिक लगा के, गधों पे बिठा के, ये जितने हजरात हैं वहां पे, इनको आप शहर, अच्छे अच्छे शहरों में ले जाए, खूबसूरत सड़कों पर इनको चलाएं गधे पे बैठे हुए, बड़े अच्छे दिखाई देंगे। और देखिए, इसके अंदर आपके अंदर टेलीविजन की गुंजाइश इतनी ज्यादा है कि जितने एडवर्टाइजमेंट आपके पास आएंगे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि और आपके राइवल चैनल्स भी ये देख रहे हैं। जी,
हम बात करते हैं सुग्रा मेहंदी से, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। आपने सुनी सईद नकवी साहब की बात, उनका कहना है इन सब तरह के जो मुफ्ती जो हैं उनको गधे पे बिठाकर काले पोत कर घुमाना चाहिए। आप क्या कहेंगी सुग्रा जी? जी मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, और ये बात जो है ये इस वक्त जो चीज़ दिखाई जहाँ पे जा रही है, और जो ये बहुत संजीदा बात है और इस पे बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और उसको इस तरह की बातें करने के लिए ये बातें करना कि ये करना चाहिए, और सारे मौलवी ऐसे फतवे नहीं देते हैं, और आप जो हैं वो जो ख़ास उलमा हैं उनसे आप फतवे लें। अरे दिन रात ये लोग मौलवी देते रहते हैं। अभी मौलवियों ने अभी एक उसने फतवा दे दिया कि बरेलवी ने किसी देवबंदी ने बरेलवी के उस पर वो कर दिया सारे लोग निकाह करें। ये क्या दिन रात के फतवे होते रहते हैं? ये कह देना कि सिर्फ ये इस्लाम में ये सिर्फ नहीं हो रहा है बल्कि और जगहों पे भी हो रहा है, कहाँ तक हम लोग ये इस तरह से रेतों में अपने मुँहों को छुपाएंगे? ये एक बहुत ज़्यादा मैं अगर ये कहती हूँ कि अगर टेलीविज़न सिर्फ मुसलमानों ही की इस बात पे उसने कमर बांधी है कि मुसलमानों की खराबियों कमियों को दिखाएगा, तो भी हमें इस्लाम के लिहाज से टेलीविज़न गधे पे बिठाने के खिलाफ ये क्यों होना चाहिए? और होना चाहिए गधे पे बिठाने के खिलाफ क्यों चाहिए कि वो हमारे कमियों को बता रहे हैं, और इस वक्त उलमा को और लोगों को बहुत इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इन सारे लोगों की इनको नौकरियों से निकालना चाहिए, इनकी डिग्रियों को जब्त करना चाहिए, और इसके खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट लेने चलाना चाहिए। ये बातें इस तरह की हैं कि भाई सब कहीं ये हो रहा है, अरे सब कहीं कुछ भी हो रहा है, इस्लाम जैसे मजहब में ये कैसे हो रहा है, और कैसे इस बात की यहाँ के बड़े बड़े उलमा जो हैं उस बात की कैसे इजाज़त दे रहे हैं, और इस बात को इतनी नॉन सीरियसली कैसे लिया जा रहा है? दुनिया में अब हर वक्त चाय पानी और बड़े बड़े सियासत के लोग और बड़े बड़े जर्नलिस्ट और हर एक रिश्वतें ले रहा है, लेकिन ये कि मजहब लोग किस तरह से रिश्वतें ले रहे हैं, मैं इस बात पे बहुत सख्त प्रोटेस्ट कर रही हूँ। और ये इस वक्त ऐसे ये मसला ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ऐसी दबी दबी जमानों में बातें की जाएं। ठीक है पोलियो के लिए उन्होंने बहुत से लोगों ने मौलवियों ने और सारे लोगों ने कह रहे हैं और बहुत अभियान चल रहा है, लेकिन एक मौलवी का गलत वो चीज़ जो है वो जाहिल लोगों को बहका देगी, और वो नहीं कराएंगे क्योंकि वो खुद ही तैयार नहीं है इसके लिए। तो ये बात ऐसी नहीं है, ये बहुत और एक सवाल मेरा मीडिया का बोले सही जी, ये बहुत ही बड़ा वो है कि इसके ऊपर सीरियसली लेना चाहिए मौलवियों को लेना चाहिए। मैं सईद नकवी सुरज जी सईद साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मौलवी साहबान को भी सीरियसली लेना चाहिए, और सोहरा मेहदी साहब बहुत नाराज हैं इस बात के ऊपर, लेकिन उनसे सवाल ये है कि भाई अगर जो ठग जिन ठगों को हमने देखा है अभी अगर उनके चेहरे काले करके उनको गधों पर बिठा दिया जाए तो इनको एतराज क्यों? ये क्यों करें? ये बिल्कुल ये कोई उस जमाने की बात होगी जब लखनऊ में इस किस्म की कोई तहजीब थी, ये आजकल की ये कोई तहजीब नहीं है ना, ये कोई तरीका है, ये मैं इस सिलसिले में बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही। मैं तो सिर्फ और नहीं आपका टेलीविजन है, मैं आपसे कोई गुफ्तगु नहीं करना चाह रही, मैं तो सिर्फ करिए जी बिल्कुल मैं तो कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं, मैं तो अपनी राय दे रही हूँ और मैं तो मुखातिब ही नहीं हूँ आपसे, ना आपकी राय पे कोई रायजा नहीं करना चाह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ ये बहुत शर्मनाक बात है, और इस तरह से हम कभी अपना दामन नहीं बचा सकते कि सारे लोग ये कर रहे हैं, सारे मजहब के लोग कर रहे हैं, सब में बदउनवानियाँ हैं कहीं भी हों, लेकिन अगर हमारे मजहब में बदउनवानी है तो वो हमारी पूरी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए, और हमसे ज्यादा सारे उलमा को समझना चाहिए। ये शुरू से चल रहा है ये सिलसिला, आज नहीं हुआ है ये सिलसिला हुआ है, इससे शुरू से है। ये मौलवी साहब नहीं है, ये ठग है, आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रही हैं। ये मौलवी साहबान वो नहीं है, ये ठग है भैया, ये वो लोग हैं जो कि अपनी टोपी सफेद पहन ली और ये कुर्ता पैजामा पहन लिया, और इन्होंने कहा कि साहब हम फतवा दे रहे हैं। तो जितनी जहालत कौम के अंदर है उसका फायदा उठाने के लिए जो आले इस वक्त मौजूद हैं वो उनके लिए ये एक चीज फराहम कर दी गई है।
ये ठग है भाई, इनसे बोल दी साहबान तो अगर पढ़े लिखे उलमा हो तो मैं उनसे बात करूं, इन अहमकों से क्या इनके बारे में बात क्या। वक्त रोकूंगी, हमारे साथ सफरयाब जिलानी जी भी मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं दोनों की बात को, क्या कहना है, अपनी अपनी राय इसका इजहार कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक इसका ताल्लुक है कि वो लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये मैं नहीं इससे मुत्तफिक हूँ क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और जैसा सईद साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि ये मौलवी कहलाने के हकदार नहीं है कि जो पैसा लेकर गलत फतवा देने के बारे में सोच भी सकता है। और यकीनन ये अगर इन्होंने ऐसा हरकत की और किसी दारुलूम के ये सनद याफ्ता हैं तो उन्होंने उस दारुलूम को भी बदनाम किया। लेकिन जो हमारे बड़े दारुलूम हैं जिनकी की अपनी जगह एक मुकाम है, जैसा आपने खुद जिक्र किया मुफ्ती जफीरुद्दीन साहब का कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो यकीनन यह बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की है कि जो शरीयत में किसी किस्म की मदाखलत या शरीयत के नाम पर किसी किस्म का पैसा या रिश्वत लेने पर आमादा नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये हरकत की है उनके लिए जो सज़ा हिंदुस्तान का कानून तजवीज़ करे उसमें मेरा ख्याल से किसी को इतराज़ नहीं होता, वो सईद नकवी साहब की सज़ा हो या कोई दूसरी सज़ा हो। लेकिन बहरहाल चूँकि ये हम जो है ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर किसी बादशाह का हुक्म नहीं चलता बल्कि कानून की हुक्मरानी है, तो लिहाजा सज़ा तो वही हो सकती है कि जिसको कानून इसकी इजाज़त देता है। और उसमें इसमें कोई तकल्लुफ़ किसी को नहीं होगा कि अगर कोई शख्स ऐसी कोई हरकत करता है कि जो कानून के जद में आती है और कानून के खिलाफ है, यकीनन कोई गलत फतवा देना, शरीयत की गलत तशरीह करना जानबूझकर, लेकिन ना अनजाने में कोई बात हो जाए तो वो काबिल माफ़ी है। गलत फतवा उससे भी हो सकता है जो अनजाने में या कम फहमी की बुनियाद पर दे दे, लेकिन जो जानबूझकर गलत बयानी कर रहा है, गलत फतवा दे रहा है, वो ऐसा ही है जैसे कि एक डॉक्टर गलत मशवरा दे रहा है जानबूझकर, या गलत मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है, या एक वकील जानबूझकर गलत लीगल ओपिनियन दे रहा है, वो सब काबिल उसमें इल्ज़ाम हैं। और उसी तरीके से अगर कोई मुफ्ती शरीयत के खिलाफ जानबूझकर वो गलत जी ज़फरयाब साहब जो आप बात कह रहे हैं कि सजा होनी चाहिए, कम से कम आप तीनों ही लोग इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं कि सजा होनी चाहिए, किस तरह से और कैसे इसको लेकर जरूर आपके आपस में मतभेद होंगे। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा फतवों के फरेब के बारे में और भी सनसनीखेज खुलासे। देखते रहिए स्टार न्यूज़। फाइल पास हो जाएगी, पहले पैसे लाओ और रिपोर्ट को गायब कर दो। धंधा करने वालों को अनिरुद्ध बहल करेंगे। हम बात कर रहे हैं फतवों के फरेब की, फतवों के सौदेबाजी की। हमने की एक खास तहकीकात और ये मालूम किया कि मन मर्जी से कई मुफ्ती कुछ पैसों की एवज में फतवे जारी कर देते हैं, लेकिन इस पूरी तहकीकात में, इस पूरे सिलसिले में हमें मिला एक ईमानदार मुफ्ती भी। ये है मुफ्ती जफीरुद्दीन, जिन्होंने मना कर दिया पैसे लेने से। जो भी इनको फतवा जारी करना था वो उन्होंने जारी किया अपनी धार्मिक सोच के, अपनी मर्जी के हिसाब से। लेकिन जब बात हुई पैसे की, हदीये तक का जिक्र किया लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। इन्होंने कहा सिर्फ दुआ ही काफी है। बात करते हैं सईद नकवी जी से। सईद जी, आपने देखा कि ऐसे भी हमें एक मुफ्ती मिले जिन्होंने किसी भी तरह से पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुफ्ती से जितने भी मुफ्ती साहबान हैं उनसे बहुत ही शायद नाजर मेरी मुलाकात होती होगी। मुसलमान जो हैं वो अपनी रोटी रोजी से लगे हुए हैं, मुसलमान अपने कामों से लगे हुए हैं, मुसलमान अपने धंधों में लगे हुए हैं। मौलवी साहबान की जरूरत उनको मेरे ख्याल में साल, दो साल, दस साल में एक दफा होती है। उनकी जिंदगी में ये हजरात मुखबिल नहीं है, वो जिंदगी अलग चल रही है। और आपके प्रोग्राम से ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे और दुनिया के मुसलमानों पे एक बहुत बड़ी चीज जो 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 छाप लगी हुई है वो इन मुफ्तियों की है या मौलवी साहब। देखिए, पढ़े लिखे उलेमा हमारे यहाँ बेहतर है जी। सईद साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों पर असर पड़ता है इन फतवों से, और वो सब अनपढ़ लोग नहीं है, कई लोग हैं, बहुत बड़ा तबका है जो यकीन करता है, उनको उनको यकीन है इस तरह के फतवों पर, और वो गुमराह होते हैं जब इस तरह के फतवे आते हैं।
अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी फतवों के फरेब पर हम चर्चा करेंगे और फतवों के खिलाफ फतवे की हम बात करेंगे। धंधा करने वालों को अनिरुद्ध दंड करेंगे। फाइल पास हो जाएगी, पहले पैसे ला और रिपोर्ट को गायब कर। धंधा करने वालों को अनिरुद्ध दंड करेंगे। हम कर रहे हैं बेनकाब धर्म के ठेकेदारों को। यहाँ फतवों के खिलाफ भी है फतवा। हमने आपको दिखाया कि कैसे दो फतवे कहते हैं कि मुसलमानों का टीवी देखना और डबल बेड पर सोना हराम है, लेकिन दो फतवे एकदम इसके उलट भी हमको मिले। हमने मेरठ के जामिया महमूदिया मदरसे के मुफ्ती कोकब से एक फतवा लिया था, मुसलमानों के लिए घर में टेलीविजन देखना नाजायज है। ये फतवा हमने मुफ्ती कोकब को रुपए देकर हासिल किया, लेकिन हमारे हाथ में एक दूसरा फतवा भी था, टेलीविजन देखना जायज है। ये फतवा जारी किया है मुफ्ती अहमद नादिर अल कासमी ने। कासमी साहब दिल्ली की इस्लामिक फिक एकेडमी के मुख्य मुफ्ती हैं। ये इस्लाम से जुड़े एक धार्मिक चैनल पर भी दिखते हैं। मुफ्ती अहमद नादिर अल कासमी ने भी रुपए लेकर हमारी मर्जी का फतवा जारी किया। टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक आला है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक आला है, इनर से ही वो कोई नायाब और आम चीज नहीं है। मुफ्ती अहमद नादिर अल कासमी ने भी हमारे मुताबिक फतवा जारी किया। फतवे के मुताबिक टेलीविजन देखना जायज है। इस फतवे के लिए कासमी साहब ने हमसे 5,000 रुपए लिए। एक ही मसले पर दो फतवे। एक मुफ्ती ने कहा घर में टेलीविजन देखने में कोई हर्ज नहीं है, तो दूसरे मुफ्ती ने फतवा जारी किया कि घर में टेलीविजन देखना नाजायज और नापाक है। मोटी रकम मिले तो पल भर में मुफ्तियों के ख्यालात भी बदल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही मुफ्ती एक मसले पर दो अलग अलग फतवे जारी कर देते हैं। बस एहतियात के लिए फतवा लेने वाले का नाम अलग होना चाहिए। दिल्ली में मौलाना शमीम नाम के इस बिचौलिए से हमने ऐसा ही सौदा किया। मौलाना शमीम बड़े माहिर हैं। ये तो हमें फतवों की सौदेबाजी करने वाले मुफ्ती को भी धोखा देने की जुगाड़ बता रहे थे। रुपए हो तो एक ही मसले पर दो फतवे जारी करवाना ऐसे बिचौलियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। डबल बेड का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए नाजायज है। 3,000 रुपए लेकर ये फतवा जारी किया खादिमुल इस्लाम मदरसे के मुफ्ती रियासत ने। लेकिन हमने एक ऐसा फतवा भी जारी करवाया जिसके मुताबिक मुसलमानों के लिए डबल बेड का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। डबल बेड का इस्तेमाल जायज है। ये फतवा जारी किया है मेरठ के जामिया मुजफ्फरिया शौबत कालम के मुफ्ती खुर्शीद अहमद कासमी ने। कासमी साहब के मुताबिक डबल बेड भी आम फर्नीचर की तरह है और मजहब का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। डबल बेड लिखा है।
डबल बेड जैसे फर्नीचर का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए जायज है। इस फतवे के लिए जामिया मुजफ्फरिया शौबत कालम के मुफ्ती खुर्शीद अहमद कासमी ने हमसे 5,000 रुपए लिए। कासमी साहब को यह पता नहीं था कि उनकी ही बिरादरी के दूसरे मुफ्ती डबल बेड को नाजायज करार दे रहे हैं। ये फतवों की सौदेबाजी में लगे मुफ्तियों का ऐसा चेहरा है जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता। हम बात कर रहे हैं फतवों की सौदेबाजी के बारे में। हमारे साथ है अनिरुद्ध बहल। आप बताइए, आपकी टीम ने तहकीकात की, अलग अलग संस्थानों, अलग अलग इदारों में, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद का हो, जामिया महमूदिया हो, जामिया निजामिया हो मेरठ का, इस्लामिक फिक एकेडमी हो, कई इदारे, कई संस्थानों में जाकर इस तरह की तहकीकात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन मदरसाज हैं, और ये कहना बहुत विभिन्न जिन्हों की ये जाने माने नहीं हैं, बहुत ही जाने माने हैं और फेमस एक तरह से अपने सर्कल में ये एकेडमीज हैं। और दूसरा, जैसे कॉन्ट्ररी फतवाज की बात आई, हम ये पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे कि जो आप चाहते हैं वो देंगे वैसा फतवा। बिल्कुल, उसके बारे में बात करते हैं जफर याब जिलानी जी से। एक ही मसले पर बिल्कुल अलग अलग किस्म के फतवे, इनको जफर याब जी कैसे समझा जाए? हम नहीं कह सकते क्या सवाल पूछा गया था उसका क्या जवाब आया। वैसे जो आपकी बात सुनने से जो अंदाज़ा हो रहा है वो तो ऐसा लगता है कि एक फतवा सही है और एक फतवा गलत है। मसलन अगर कोई मुफ्ती ये कहे कि वो डबल बेड पर सोना नाजायज़ है तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन से शरीयत का इंटरप्रिटेशन वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी उन्होंने क्या जवाब दिया इस पर मैं राय जब तक नहीं दे सकता जब तक कि ये मुझे ना मालूम हो कि सवाल क्या पूछा गया था। क्योंकि ये फतवा एक सवाल का जवाब होता है। जैसे हमसे कोई लीगल ओपिनियन पूछे तो जो ओपिनियन पूछेगा वो हम उस इशू पर जो लिख कर पूछ दे, हमको सवाल देगा। जी, किसी एक चीज को करना या तो सही है या गलत है, लेकिन एक फतवा कहे कि सही है और उसी चीज को दूसरा फतवा कहे कि बिल्कुल ही नाजायज है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे। अगर सवाल यही था कि डबल बेड पर सोना जायज या नाजायज तो जवाब बिल्कुल गलत मालूम होता है जी, और इसका कोई शरीयत में मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर याब जी, आपने अपनी राय का इजहार किया। आपने ये भी कहा कि सजा देने की, मजम्मत करने की सख्त जरूरत है इस पूरे मामले में। हम बात करते हैं मौलाना मुस्तकीम ए आजमी से, जो महाराष्ट्र हज बोर्ड के सदस्य हैं। आपने देखा कि अलग अलग फतवे जारी किए गए एक ही मौजू पर, अलग अलग बात पर, जिस तरह से खुलेआम तौर पर सौदेबाजी की गई, बिना सोचे समझे इन तरह को फतवों को जारी किया गया, उसके बारे में मौलाना साहब आप क्या कहेंगे? सादिया जी, ऐसा है कि फतवा नाम है शरीयत के अहकाम को बताने का, ये कोई कानून का फैसला नहीं होता। शरीयत के जो अहकामात हमें मालूम हैं, कोई हमसे पूछे वो हम बतावें, लेकिन उसके लिए मुफ्ती की शर्त ये है कि वो 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग लेता है, उसको उसके वसूल जाब्ते बताए जाते हैं, उसके मुताबिक बताता है। अब मसले 2 तरह के हैं। एक मसला वो है जो कुरान और हदीस में मौजूद है, उसमें तो किसी इख्तलाफ का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। और कुछ मसाइल ये हैं जो नए नए पैदा होते हैं, उन मसाइल में हिदायत ये होती है कि कुरान और हदीस के किसी मसले से उसकी रोशनी लो, और वो अगर अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के मुताबिक है तो उसको सही कहो, अगर मंशा के मुताबिक नहीं है तो गलत कहो। तो ये इसको इज्तिहादी मसाइल कहते हैं, जो कुरान हदीस से बराह रास्त हैं वो मंसूस मसाइल कहते हैं, और जो गौर व फिक्र से उसमें नई चीज़ें पैदा हो गई हैं उसके बारे में राय देना है उसको इज्तिहादी मसला कहते हैं। इज्तिहादी मसले में इख्तलाफ हो सकता है और होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए आप देखती हैं कि इस्लाम में भी बड़े बड़े 4-5 मसालिक हैं और उनकी राय कुछ कुछ दोनों से मुख्तलिफ है इसी बुनियाद पर। लेकिन हम आज जिस मसले पर सोच रहे हैं कि अल्लाह के अहकामात को बताना, उसको सौदा करना, पैसों के ज़रिए बेचना, ये बहुत बड़ी लानत है। इख्तलाफ़ राय फतवे में हो सकता है, इसलिए कि मैंने ये समझा कि कुरान और हदीस की मंशा ये होगी,
दूसरे ने समझा कि ये हो सकती है, इसीलिए जो इज्तिहादी मसाइल हैं उसमें सख्ती नहीं है। जानने वाला अगर ये महसूस करता है कि मुफ्ती ने इस चीज़ को सही कहा है लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता तो मुझे नहीं करना चाहिए, मुफ्ती ने इस चीज़ को सही नहीं कहा है लेकिन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए तो मैं उसको अमल करूं। तो यानी कि अंधाधुंध ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत मौलाना साहब। हमारे साथ इस वक्त ओबैदुल्ला खान आजमी, कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, उनसे इस पूरे मामले पर राय लेते हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जैसा कि आपके टीवी के जरिए मालूम हुआ है कि कुछ लोगों के बारे में कि उन लोगों ने फतवे पैसे ले लेकर के दिए हैं, और अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा काबिले शर्म और डूब मरने की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। ये वक्त की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जहाँ कुरान और हदीस के अहकाम पर अमल करने के लिए इंतहाई मुखलिस होना चाहिए फतवा देने वालों को, अगर फतवा देने वाले ही कुरान और हदीस बेचेंगे तो इससे ज्यादा बुरी बात तो नहीं हो सकती। ऐसे ही लोगों के लिए किसी ने कहा था, ये फतवों के दलाल, ये कुरान के ताजिर मजारे शहे अंबिया बेच डालें, बचो इन मजाहिब के सौदागरों से, ये मौका जो पाए खुदा बेच डालें। तो ऐसे लोगों से पूरी कौम को आगाह होना चाहिए और ऐसे लोगों की जम के मुखालफत होनी चाहिए, बल्कि उन्हें फतवा देने के सिलसिले में ना अहल करार दे देना चाहिए। उन्हें कोई हक ही नहीं पहुंचता कि इस तरह से पैसा लेकर के कौम का एक्सप्लाइटेशन करें। बिल्कुल, यानी कि उनको कोई हक नहीं मिलना चाहिए कि किसी और की किस्मत का वो इस तरह से फैसला करें, और उनकी डिग्रियां भी जैसे कि आप कह रहे हैं वापस ले लिया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत मौलाना उबैदुल्ला खान साहब हमसे बात करने के लिए। हम बात करते हैं अब सुगरा मेहंदी जी से। सुगरा जी, इतनी बार फतवे आते हैं, कितने लोगों पर उनका असर होता है, कई लोग गुमराह होते हैं जब इस तरह के मुफ्ती आसानी से मनमर्जी के फतवे जारी कर देते हैं। देखिए, यही बात मैं आपसे कहना चाह रही थी कि ये कहना कि ये जो मुफ्ती हैं इनके कोई मुफ्तियों से अब किसी को नहीं है, ये मुफ्ती नहीं है, ये मुफ्ती हैं और ये मुफ्ती कहलाते हैं और ये अपने फतवे देते हैं, और जो लोग मुसलमानों की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जुलते हैं, उनकी ज़िंदगी को करीब से देखते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि इन फतवों का इस मुसलमानों की ज़िंदगी पर कितना ख़राब असर पड़ता है। और इसके लिए ये कहना कि कानून मुल्क इसके लिए इसकी सज़ा दे, ये काम मुल्क का नहीं है सज़ा देने का, ये इस्लामी उलमा का काम है कि वो इन लोगों ये एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएं और इस किस्म के जो नाम के मुफ्ती हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जो फतवों को बदनाम कर रहे हैं, जो पूरे इस्लाम की रूह को वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त तहरीक चलाई जाए, उनकी डिग्रियां जब्त की जाएं और इस चीज़ को बहुत आसानी, यानी कि बिल्कुल सख्त कार्रवाई की तहरीक की आप बात कर रही हैं, उनकी सनत उनकी डिग्री तक ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुगरा जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महेश भट्ट जी, आप बताइए आपका क्या कहना है, आपने देखा किस तरह से फतवों के साथ सौदेबाजी की जा रही है। रसूल अल्लाह प्रॉफिट ऑफ गॉड मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि मेरे एक हाथ में चांद दे दो और दूसरे हाथ में सूरज, फिर भी मैं वही कहूंगा जो सच है। जी, शर्म की बात यह है कि जो उस रसूल के नाम पे आज हमारे बीच हैं, वो उस रसूल को ही बेच रहे हैं। और अनिरुद्ध ने बहुत कमाल का काम किया है ये स्टिंग ऑपरेशन करके, क्योंकि इससे एक बात क्लियरली हमारे सामने आती है कि इंडिया इज अ सिविलाइजेशन विच इज इन डीके, कहीं पर एक ऑल राउंड डीके है, कहीं पर एक गलत फहमी होती है एक तबके में, खास करके बेचारे हमारे जो अनपढ़ वल्नरेबल सेक्शन में, कि एक स्थान है, एक इलाका है मजहब का जहां पर बेईमानी नहीं है। हम मानते थे पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिशियंस में करप्शन सेकंड हो गया है, मगर कहीं पर एक गलत फहमी होती थी कि नहीं, यहां पर शायद ये लोग ईमानदार हैं। लो, आज की रात वो भरम भी गया। मगर अनिरुद्ध, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लाम का काम तो आप कर रहे हो, क्योंकि ईमान को जगाना ही तो काम है इस्लाम का, और काम क्या है? दाढ़ी रखने से
या टोपी पहनने से आदमी मुसलमान नहीं हो जाता, ईमान का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने ये सोचा हम। और मेरा ये कहना है कि शायद ये घड़ी आ गई है कि रेनेसांस, एक रिसर्जेंस कहीं पर हमारे बीच में होना चाहिए, ऑल अराउंड होना चाहिए। और कहीं पर अगर हम इस सत्य से, इस कड़वी सच्चाई से आंख नहीं मिला सकते तो हम झुक जाएंगे। स्टार न्यूज अनिरुद्ध, ये काम आपने बहुत कमाल का किया है कि आपने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो बंद इज वेटिकन ऑफ द इस्लामिक कल्चर, उसके अंदर जाकर वहां के मुफ्ती तो कहते हैं कि वो जज के लेवल के होते हैं, वो तो भैया प्रेजेंट भी नहीं ले सकते, ये तो पैसा लेते दिखाए। मगर वो एक बूढ़ा आदमी जिसने कहा कि नहीं भाई हम नहीं लेते, वो कहीं पर उसमें उम्मीद नजर आती है कि बिल्कुल भी लोग जिंदा हैं जो वो इस्लाम के वो टेनेट्स को जीते हैं, उनके अंदर ईमान जिंदा है, और एक भी अगर ऐसा नजर आ जाए तो वो हमें बचा लेगा। और ये हम ये जिन्होंने इस्लाम के नाम पर ये दुकान चलाई है, जो पैसे गिन रहे हैं इस वक्त आपके कैमरा के स्क्रीन पर, ये इसको नहीं डुबा पाएंगे, क्योंकि इस्लाम को जिंदा रखेगा अनिरुद्ध बहल। बिल्कुल महेश जी भट्ट जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी फतवों के फरेब के बारे में बात करेंगे।